पानी ठंडा लेके आओ जी भाई। क्या लेंगे? क्या बना हुआ है? सब कुछ है सर। क्या खाएंगे आप? सामने मेन्यू सब कुछ तो है, लेकिन कोरमा है, मटन कढ़ाई है, काबली पुलाव है, कीमा है, दाल माश है। एक कोरमा ला दे। एक कोरमा हो गया और एक दाल माश। एक दाल माश और एक कोरमा। जी 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 सर। भाई दो दर्जन ठीक दुम्बे की सी। दो दर्जन दुम्बे की सी। भाई एंटीएन बना हुआ है? एंटीएन उसका क्या काम है एंटीएन का यार? नहीं, तो वो आप दुम्बे की सी खा रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो 2018 की जो दुम्बे की सी खाई है हाँ। उसका रिटर्न जमा करवा दिया यार। उसमें रिटर्न का क्या मसला है भाई? नहीं, अब मसला ये है कि टैक्स आ गया ना, तो अब आपका टैक्स से क्या मतलब है? आपका टैक्स से क्या मतलब? नहीं नहीं, नहीं हमारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? खाने पे कोई टैक्स नहीं होगा? तो शुक्र करो सांस पे टैक्स नहीं लगा रहे हम। अल्लाह कितना कर रहे हैं आप? भाई यार मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाथ तो अपना संभाल के। नहीं नहीं, हाथ संभाल के रख लेता हूँ। मसला ये कि दुम्बे की सीखों पे टैक्स है। अगर दुम्बे की सीखों के 2018 में आपने टैक्स भरा हुआ दुम्बे पे? अरे दुम्बे पे कौन सा टैक्स आ गया भाई मेरे? अगर नहीं बराबर ना तो मेरे भाई आप या तो माश की दाल खा सकते हैं, या अंडा खा सकते हैं, या खीरे खा सकते हैं। ये क्या बात है? इसका मतलब है ये पानी पे भी तुम टैक्स लगा दो? नहीं नहीं, पानी आप पिए, जितना पिए आप, पानी डूब के मर। सलाम अलैकुम जी भाई, क्या खाना? एक किलो चिकन कढ़ाई कर दो। एक किलो चिकन कढ़ाई और दो किलो काबली पुलाव कर दो। काबली पुलाव? दो काबली पुलाव। टैक्स भर दिया आपने? किस चीज़ का टैक्स? नहीं टैक्स है ना, अब आप हुकूमत ने टैक्स लगा दिया ना कि अब आप जो खाओगे ना, अगर आप चिकन खाते हो या मटन खाते हो तो उसका साल का टैक्स भरोगे। मतलब आपको अंदाजा होगा कि अगर आप एक बकरा साल में खा जाते हो तो एक बकरे का 20% टैक्स भरो। टैक्स भरा हुआ है? वो जो लेकर आता है वो भरेगा, मैं क्यों भरूंगा? जो लेकर आ रहा है वो भरेगा, मैं क्यों भरूंगा? नहीं नहीं, आप खा रहे हो ना भाई, मैं तो नहीं खा रहा ना। रोटियां कितनी है भाई? पांच ले आते हैं। सर कोरमा आपने टैक्स भरा हुआ है मुर्गी का? टैक्स किस चीज का भाई? 2019 का मुर्गी का। कहाँ लिखा हुआ है बताएं? लिखा हुआ है नहीं। 2019 में इतनी तब्दीली क्या चीज की आ गई? किस चीज की तब्दीली आई भाई जान? तब्दीली इस बात की आई है, अब आपने अगर मुर्गी, बकरे का गोश्त, बड़े का गोश्त खाना है तो उसका पूरे साल का टैक्स भरना है, वरना आप नहीं खा सकते। दाल खाओ। भाई मुर्गी आपने 25,000 सालाना टैक्स भरना है, आप मुर्गी खा सकते हो अनलिमिटेड। नहीं, वो पहले भर देना है। वो पहले भर देना है फिर मुर्गी खाएंगे आप। वो किसको देंगे? किसको देंगे? वो जाके आप टैक्स रिटर्न जमा कराओ इधारे में जाके टैक्स के। मेरी बात सुन लेना सर, मेरी बात। आपका काम है होटल लेना, आप होटल ले, जितना टैक्स लेना वो आके ले लेगा। तुम्हारा काम नहीं है ऑर्डर का, तुम मुझसे इसके टैक्स वैक्स की कोई बात नहीं करो। आप स्लिप दिखा देना। आपने जो स्लिप आपकी है, क्या हैसियत है स्लिप देखने की? मेरी क्या हैसियत है? हाँ, मैं यहाँ दुम्बे बेच रहा हूँ, आप बोल रहे हो दुम्बे बेच रहे हो? दुम्बे बेचो ना, तुम टैक्स दोगे दुम्बे बेचने का, मैं खाने का टैक्स क्यों दूंगा? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा खुद को आप 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 ये मुझे बेवकूफ ना समझे, मैं पहचान गया गुलाम अली, गजलें आप ही गाते हो ना? मैं गजलें गाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं यार। आप अपना काम करें, मुझे मेरा ऑर्डर सल्व करें और फिर उसके बाद आप अपना काम खत्म करके बिल ले मेरे। टैक्स की बात नहीं करो, टैक्स की बात नहीं करो, नहीं करो। यही तो मसला है हमारी पाकिस्तानी आवाम का, हम टैक्स नहीं दे रहे यार। हम हर साल टैक्स दे तो रहे, बिजली का टैक्स दे रहे, हर किसी चीज। दुम्बे का कौन देगा? दुम्बे का कौन? दुम्बे का टैक्स आया ही नहीं है यार। दुम्बे का टैक्स अभी तक यार बहुत छे, ये दुम्बे बगैर टैक्स के आ रहे पूरे पाकिस्तान में है। वो पे किस बेवकूफ ने टैक्स लगाया? तो भाईजान मेरी बात सुनो, टैक्स है या नहीं होता? टैक्स होता है, टैक्स होता है हर चीज पे, थोड़ी होता है यार ये। तो भाईजान आप अगर ये टैक्स टैक्स नहीं भरा हुआ मेरा ख्याल है, टैक्स नहीं भरा हुआ ना, तो आप एक काम करें, आप या तो आप दाल माश फ्राई खा सकते हैं,
ठीक है, सलाद आप खा सकते हैं और अंडा हाफ फ्राई खा सकते हैं बगैर नमक वाला। क्या लेके आओ? हाँ नहीं है, है? उस पे टैक्स नहीं है। नहीं, वो अपना नॉन फाइलर के लिए ये खाना है। 12 महीना दाल माश खाओ, पैसे होंगे भी तब भी दाल माश खाओ। हम अनपढ़ नहीं है भाई, हमसे ऐसे नहीं कहो। नहीं नहीं तो भाई जान, मैं आपसे कोई गलत बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने दाल ले आया ना, दाल ले आया ना मैं आपको। क्या आप कोरमा का? आपने कोरमा लेके नहीं आया? होटल पे नहीं आ सकते हम? भाई जान, मैं दाल ले आया ना। अब आप अल्लाह आपका भला करे, आप मुझे स्लिप दिखा दो। नहीं मैं किया, हम अखबारी नुमाइंदे हैं, ये कोई बात है यार? भाई जान, आप कहीं के भी हो, आप देखें रिटर्न टैक्स सबने जमा कराना है, हर पाकिस्तानी ने जमा कराना है। अगर आपने बकरा खाना है तो बकरे की रसीद दिखाओ, आपने बड़ा खाना तो बड़े ही रसीद दिखाओ यार, आप दाल खाओ। वरना बात सुने, बात ये है कि रसीद कहाँ से हमें कोई यार, पहले या तो फिर लेके उधर बोर्ड लगाओ ना। आराम से भाई जान, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं। करो आप अपने मालिक को बुलाओ, वरना नहीं तो मैं एक दूंगा यहाँ उठा के और वहाँ जाके गिरोगे। क्या मतलब एक दूंगा उठा के? तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना, बात आ जाओ, तुम इस तरह बदतमीजी नहीं करो। भाई जान, मैं आपसे वो नहीं कर, मैं कह रहा हूँ बदतमीजी ला रहा, तुम्हारा से ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, ला रहा लेकर आओ ऑर्डर। अच्छा ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, बैठा। अच्छा वो चटनी का भी टैक्स है, चटनी जो कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, पप्पियां लेते हैं कस्टमर की? नहीं है टैक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप बैठो बैठो बैठो, आपको खाना मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, एक सेकंड बैठे 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 बैठे, मैंने मजाक किया आपसे भाई, मैंने मजाक किया है, आप खुन्नस नहीं दे, मजाक कर रहा हूँ। वो देखे पीछे, वो देखे, बात सुनो है इधर भाई, ये दाल ले जा वापस। बात सुनो ये क्या बात है, दाल ले जा। चलो ले जा यार, क्या है मतलब? ये कौन सा तरीका है यार? नहीं क्या कौन सा तरीका, आप जमा नहीं करा रहे कोई चीज भी? कहाँ से भरे भाई, ये क्या बात है? आप लोग टैक्स नहीं भरोगे तो कौन भरेगा भाई? मैं भरूं? भरे कहाँ से भरे आप? मुर्गियां नोचोगे आप और भरूं मैं? ये क्या बात है भाई, भरने वाली बात है और क्या बाकी है? क्या कैसे टैक्स भरेंगे, कहाँ से भरेंगे हम यार भाई? आप हम घर कैसे चलाएं और बात सुनो, महंगाई कितनी है बताए आपको, कितनी महंगाई चल रही है भाई? अच्छा महंगाई क्या है, महंगाई मेरी बात हो जा रहा है? अच्छा कहाँ से पैसे भर भाई? अच्छा मेरे भाई, अच्छा अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपसे मजाक किया, लेकिन बाहसियत कौम हमें चाहिए कि हम टैक्स भरे। वो देखो पीछे कैमरा लगाया हुआ, और ये मैं मैसेज दूंगा इस टाइम, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, हाथ हिला दें। 1947 में हमें पाकिस्तान की जरूरत थी और आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, तो हमें चाहिए बहसियत कौम कि हम टैक्स के फराइज की अदायगी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।